ಎಂಪಿಎಂ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮುಚ್ಚಿದೆ ವಿಐಎಸ್ಎಲ್ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಪಾಂಡೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಸ್ಟೀಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ आपके क्वेश्चन से इसको नोटिस में लिया है और मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों कुछ कारणों से स्टील में हम पीछे गए थे लेकिन पिछले 3-4 वर्षों में पॉलिसी चेंज करने के बाद हम स्टील के भी प्रोडक्शन में दुनिया में सेकंड प्लेस पर हैं। अगर लोकल यहाँ कोई इशू है तो हमारे यहाँ के सीनियर लीडर्स हम सब मिलकर उसको एड्रेस करेंगे उसको मतलब इसका अभी तक आपका बारे में नहीं आया मैं स्टील इंडस्ट्री से मैं थोड़ा डायरेक्ट कनेक्ट नहीं था उस विषय से बट आपने जैसा मुझे हमारे पटेल साहब ने बताया आपके क्वेश्चन के रेफरेंस में तो ये बात ध्यान में लाई जाएगी क्योंकि स्टील के काम में जो ब्रेकअप था जो उन्होंने मोदी जी ने उस पर एड्रेस करके बहुत चीज़ों को चेंज लाया है और उसमें खनिज के फील्ड में भी कई चीज़ें हमारे उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और स्टील की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है हम स्टील प्रोडक्शन में फिर से रिकवर कर लिए हैं लेकिन अगर पर्टिकुलर इस फील्ड की वो इंडस्ट्री जो सेंट्रल से रिलेटेड है तो उसका आपके माध्यम से मीडिया भी कभी कभी इंफॉर्मेशन जो देती है उसको हम रिस्पेक्टली देखते हैं होता है मैं आपको बताऊं जैसे मैं हैवी डे देखता हूँ हमारा HMT है हमारे कारण नहीं कांग्रेस की नीतियों के चलते HMT की हिंदुस्तान में 10 यूनिट थी हिंदुस्तान में 7 यूनिट सीखों के बिक गई 3 यूनिट काम कर रही है बेंगलोर हैदराबाद कोची फायदे में है बेंगलोर हैदराबाद घाटे में थी उसको रिकवर किया अभी मैंने वो जब विजिट किया तो आज मैंने HMT बेंगलोर को फोकस किया और आज मैंने कैपिटल गुड स्कीम से लिंकअप करके नए नए रिसर्च प्रोजेक्ट्स उनको जोड़ा अभी स्टार्टिंग BHU के अंदर हुआ और उसको प्रधानमंत्री जी ने उसको स्टार्ट किया तो ये चीज़ें जब ध्यान में आ रही हैं तो उस पर फोकस किया जा रहा है और आज फिर से उन 7 यूनिट्स जो कांग्रेस ने डुबा दिया उसका तो हम कोई एश्योरेंस नहीं देते हैं लेकिन हम ये 3 यूनिट को इम्प्रूव करने पर लगे हुए हैं तो जो चीज़ नोटिस में आती है उस पर हम लोग फोकस करते हैं थैंक यू अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर ये नागरिक उड्डयन डिपार्टमेंट के साथ साथ वो भी देखते हैं उनको राघवेंद्र जी ने उनसे बात किया ऐसा मुझे जानकारी दी गई है और मेरी तरफ से आपके सभी को धन्यवाद थैंक्स